ਤਤੀਰੋ ਵਾਟ ਨਿਹਾਰਾਂ ਹੋਸਾਂ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾਂ। What's up everybody, this is your boy Typical Musician and welcome back to another video on the channel. So if you are new to my channel, I do a lot of music related stuff, plus what we do here, we react to cool stuff over the internet which you guys like to see. I've been featured in SKB in season 4 and 5, so if you want to go check them out, go watch songs Adat, Talash and Mehu in SKB Basement, which are season 4 or 5 songs. I was part of those songs, plus I play a lot of instruments, I sing a lot. I've been doing music since my childhood basically, you can say that, and YouTube is my passion kind of. तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि वीडियो के एंड तक देखते रहना, क्योंकि द वे आई गिव रिएक्शन टू द वीडियोस, वी वॉच द वीडियोस एंड इन द एंड ऑफ दैट वीडियो हम उसके ऊपर म्यूजिक एनालिसिस देते हैं, लाइक वी ब्रेक दैट सॉन्ग इनटू कंस्ट्रक्टिव म्यूजिकल पार्ट्स। सो जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है सांवल मोड़ मुहारा बाय सेस्मिक ट्रेमर्स, और ये उनका ये वर्जन था इस काफ़ी का जो कि उन्होंने पेप्सी बैटल ऑफ बैंड सीजन 4 में दिया, और दिस वीडियो की सजेशन मुझे लास्ट वीडियो में दी गई और आई विल ऐड दैट ए कमेंट समवेयर ओवर हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स जस्ट वॉच द वीडियो गाइस। सद जोशी सद सद जोशी जोशी सद सद जोशी मैं फाला ਥਈਆ 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 ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਨੈਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਏ ਚੋਲੇ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਜਾਇਆ ਕਰ ਤਈਆ 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 ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਜਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ 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 That was it guys. I think they have done a good job. Unka concept idea bahut zabardast tha kyunki ek classical item ko thumri ko aur rap ko mix karna aur rap bhi desi rap hip hop type to idea kafi acha tha. Personally mujhe thoda sa laga ke thoda behtar ho sakta tha yani kuch flaws mujhe lage. Technical lihaz se batunga overall energy wise the song was marvelous aur kafi heavy kism ka unhone impact dala. बट टेक्निकली मुझे कुछ जगहों पे फॉल्ट नज़र आया. मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आइडिया इन्होंने बनाया और दे कुड हैव डन मोर वर्क ऑन इट और इसको मोर परफेक्ट कर सकते थे. ये स्पेशली एक पार्ट जहाँ पर गिटार और ड्रम्स का जो बिल्डअप बनता है ना वो शिफ्टिंग में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी. एंड यू नो द गुड थिंग अबाउट पेप्सी वेडलो बैंड्स कि बेसिकली ये ओरिजिनल म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिल रहा है इसकी वजह से, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी कम होता जा रहा था कि जो बैंड से वो काफ़ी डिसओरिएंटेड हो गए थे क्योंकि कल्चर ऐसा सेट होता जा रहा था कि देर वॉज नॉट मैनी प्लेटफॉर्म देयर टू कल्टिवेट सच काइंड ऑफ म्यूजिक. टेक्निकली दिस सॉन्ग इज कम्पोज इन सी शार्प माइनर और उसकी जो स्केल है आई थिंक इस काफ़ी उर्फे हम सब जान चुके हैं ये सिंधी भैरवी में कंपोज है. आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की और निभाया भी अच्छा. बट जिस तरह मैंने कहा कि टेक्निकल लिहाज से कुछ फॉल्ट्स थे उसमें जो कि मज़ीद बेहतर हो सकते थे. बट अगेन स्टार्टिंग राउंड है तो आई थिंक ये दे हैव पोटेंशियल और ये फ्यूचर राउंड्स में दे आर गोना रॉक इट. लाइक आई थिंक दे आर अमेजिंग लाइक एवरी अदर बैंड. हर बैंड का अपना एक यूनिक टच है. कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं इस बैंड में मेरे और आई नो दे आर गुड म्यूजिशंस. लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैं कहना चाहता था कह नहीं पाया, वो आ नहीं पाई उसमें. वी ऑफ्टन इग्नोर द म्यूजिशंस. तो जो म्यूजिशंस होते हैं वो काफ़ी जान बना देते हैं जस्ट लाइक द बेस प्लेयर. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क लेकिन हम आम ऑडियंस उसे समझ नहीं पाती. तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि बेसिकली सॉन्ग में हो क्या रहा है. द कॉम्पोजिशन इज मेड बाय डिफरेंट पीपल डूइंग देयर पार्ट्स और वो जब मिलते हैं तो एक खूबसूरत सी चीज़ प्रोडक्ट हमने निकल कर आता है. शीशा माइनर में इसकी कॉम्पोजिशन है. इट्स जस्ट लाइक मन मन मलता मैं पीर मनावा सद सद जोशी मैं फाला पावा सद सद जोशी मैं फाला पावा वे मैं कर दिया जते नहीं
हजार हाँ कदी सावल मोड़ मुहार तती रो मैं वाट निहारा हो सावल मोड़ मुहारा। तो बेसिकली ये उसकी शक्ल है। As always, I ask you guys, what were your opinion about this song? Tell me in the comment section down below. इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में फर्दर सॉन्ग्स के लिए सजेशन दो, विच सॉन्ग्स आई शुड डू नेक्स्ट फॉर माय रिव्यू वीडियोस, बिकॉज योर कमेंट्स वैल्यू अ लॉट। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने मुल्क के टैलेंट को सराहो, पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंट्स, मेरे टैलेंट भरपूर है, अपने लोकल टैलेंट को सपोर्ट करो, उसे आगे आने का मौका दो, उसे सुनो, उसे प्रमोट करो। मैं यही कहता हूँ कि अगर हम खुद ही अपने आप को नहीं प्रमोट करेंगे तो दूसरे, और मेरी दुआएं हैं सब अच्छे म्यूजिशियन के लिए, सब अच्छे आर्टिस्ट के लिए, सब के लिए कि वो अपनी लाइफ में विच दे बिलीव इन देमसेल्फ, दे कीप डूइंग दैट एंड अचीव देयर ड्रीम्स। लेट्स सी के अपकमिंग एपिसोड में पेप्सी वर्ल्ड इवेंट्स में कौन से बैंड टॉप पर आते हैं और कौन से बैंड अपना जादू दिखा पाते हैं। और इसी के साथ ही आज के एपिसोड का टाइम खत्म होता है, और मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज। सब दे रो लेते हों देते जाज मन सपना मजे को तैयार था इतराज इतराज मेरु जात पास दी कहानी तो परेशान फेरा तंग मैं जवानी तो सानी से खून बेटा तेज यहाँ पानी से रवानी से नफत मुझे जानी शराबी कबाबी ये दुनिया है फानी हर बंदा नवाबी है डरते हैं दाढ़ी से पर फिरते फरारीज में यही खराबी है अमल इनके जाली है बातें किताबी है नेकी है मुश्किल गुना में आसानी है।